जय श्री राधे। क्लास 12th। आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियोमीटर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर हमने तीनों एप्लीकेशन पढ़ ली, तो आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर पर न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं। और ये हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10th पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन कई बार आ जाता है इस तरह का भी। अ बैटरी हैविंग अ 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 वोल्ट। मतलब ये जो बैटरी लगी हुई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। तो क्वेश्चन पढ़ के ये पहचानना है किस तरह से। अच्छा, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इसका पॉजिटिव एक साइड ही होना चाहिए। ये वाली बात मैंने आपको लेक्चर में बताई थी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस तरह से क्यों होते हैं, किस तरह से कट जाते हैं, मैं सब ये बता चुका हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ क्यों लगाते हैं, ये बैटरी छोटी क्यों होती है, ये बैटरी बड़ी क्यों होती है, इस सब की इंपॉर्टेंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। और यदि किसी को प्रीवियस वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है, वहाँ से वो देख सकता है। यदि कोई वीडियो उस किसी बच्चे तक नहीं पहुँच पाती है, वो देख नहीं पाता है या ओपन नहीं कर पा रहा है, तो वो मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा। तो वो कह रहा है, अब बैटरी हैविंग अ 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ऑफ 5 मीटर वायर। इसका मतलब यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो वायर है, ये वाला, ये कितने का? 5 मीटर का। मैंने पहले ही बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, ये हमारा 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकता है, ये 5 मीटर का दे रखा है। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या निकालना भाई साहब? हमको वी दिया हुआ है 2 वोल्ट, लेंथ दी हुई है कितनी? 5 मीटर। के निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। क्लियर है? वी की जगह हम पहले पुट कर दे, कितनी है? 2 अपॉन 5। अच्छा, ये मीटर में दे रखा है। आगे हम थोड़ी सी बात पढ़ें तो इसमें ये देखा, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यहाँ निकल जाएगा, एंड अक्रॉस द लेंथ 27 मिलीमीटर। आगे मिलीमीटर वाली बात भी कर रहा है, तो इस मीटर को मैं मिलीमीटर में चेंज कर लूं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे 10 का मल्टीप्लाई और होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5000 मिलीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ से चेंज कर दो, क्या हो जाएगा ये? 5000 मिलीमीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ से मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरा के आता है 0.0004 वोल्ट पर मिलीमीटर, ये मेरा के आ गया। तो यहाँ एक के निकाल रहा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने कह रहा था, वो हमने निकाल लिया। समझ में आ गई बात? चलो आगे देखें, वो कह रहा है एंड अक्रॉस द लेंथ 27 मिलीमीटर। यहाँ कहीं कोई 27 मिलीमीटर होगा, मैं हमने मान लिया 27 मिलीमीटर यहाँ कहीं है, और यहाँ पर मुझको क्या मिलता है इसका? ये नल पॉइंट। ठीक है, ये वाली बात सब बता चुके हैं इससे पहले वाली हम लेक्चरों में। हाउ मच द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इतनी लेंथ पर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एंड व्हाट पॉसिबल एरर? तो पॉसिबल एरर तो हम इससे ही निकाल सकते हैं, हमारी पॉसिबल एरर क्या होगी? पॉसिबल एरर, तो रीडिंग हमारी कुछ इस तरह से आ रही है इसकी, हम पॉसिबल एरर देखें, यदि पूरा कॉन्सेप्ट लगाए हमने पिछली वीडियो वाला, तो ये हमारा निकल के आता है 0.01। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई? एरर आ गई हमारी, इतनी एरर कम से कम इतनी हो सकती है। ठीक है, बहुत प्रिसाइस एरर निकल के आती है यहाँ पे। अब आगे देखें, उसके बाद कह रहा है हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जहाँ पे हमारी L2 हो जाती है, ऐसे L1 ले लो जो हमने लिया, ये L2 कितनी लेनी है? 27 मिलीमीटर पर, और कुछ गिवन नहीं है। नया V निकालने के लिए कह रहा है, नया V में यदि इसे V1 ले लूँ तो इसे क्या लेना पड़ेगा? मुझे V2 लेना पड़ेगा, इसे 1-1 कर लीजिए आप। तो V2 निकालने के लिए कह रहा है, अब कैसे निकले? अच्छा, एक मैं आपको चीज बताऊँ, ये जो K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारा कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे हमने K कितना निकाल चुके हैं? 0.0004, ये हमारा K आ चुका है। फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू V अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। तो V निकालना है यहाँ से, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KL। तो V
इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 0.0004 इंटू एल कितना है 27 मिलीमीटर में चल रहा है काम हमारा, तो 0.0108 वोल्ट कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा यहां पे हम एक चीज और बता सकते हैं सेंसिटिविटी, तो यहां पे देखें सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेंसिटिविटी का कौन बताता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहां देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बहुत ज्यादा क्या प्रिसाइज है, तो कह सकते हैं इट इज वेरी प्रिसाइज, इट इज या इट इज अ वेरी प्रिसाइज, क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं यहां पे हम, सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं समझिए। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या कहा गया कि ये बैटरी जो है इसका ये 20 वोल्ट है दे रखा पोटेंशियल, इसके साथ साथ जो हमारी वायर है ये ए से लेके बी तक की, ये हमारी 10 सेंटीमीटर की है, ये हमारी इस नई वाली जो बैटरी है इसका पोटेंशियल हमको कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दे रखा है, इसका दे रखा है हमको 8 वोल्ट, ये हमको 8 वोल्ट दिया हुआ है ठीक है। इसके साथ इसके अकॉर्डिंग नल पॉइंट ढूंढा जाता है, नल पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे क्या जाता है मेरा नल पॉइंट, ये क्या मेरा नल पॉइंट, और नल पॉइंट किसी एक्स डिस्टेंस पे हमको मिलता है, तो हमारा यही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है फाइंड एक्स, फाइंड क्या करना है एक्स कहाँ पर सच डेट, जहाँ पे हमारा ये गैलोमीटर क्या शो कर रहा है नल पॉइंट ठीक है, वो हमें एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें इसके लिए सिंपल सी बात है, जो हमने पहली एप्लीकेशन सॉल्व की थी उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था हमने, मान लिया ये किसी पॉइंट पर हमें नल पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल वी ए सी किसके बराबर होना चाहिए के इंटू एल। अच्छा भाई साहब मैं पूछूँ ये एल कौन सी है, आप बता पाएंगे एल कौन सी है, जो ये निकल के आई है तो मैं क्या कह सकता हूं वी ए सी इज इक्वल टू के एक्स, वी ए सी हमको दे रखा है। अच्छा ये के क्या लिख सकता हूं मैं, वी अपॉन टोटल एल इंटू एक्स, कुछ याद आ रहा है फर्स्ट एप्लीकेशन जो सॉल्व की थी हमने वहां किया था ना ऐसा, तो वी ए सी सॉरी वी ए सी की वैल्यू रख दीजिए 8 वोल्ट इज इक्वल टू वी, टोटल वी कितना है 20 बटे ये कितना हमारा 10 मीटर का 10 आ जाएगा इंटू एक्स, और यहां से यदि मैं सॉल्व करूं तो यहां मेरा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखें हमने एक्स निकाल के हमारा जीरो से कट गया, 0 to हमारा डिवाइड हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4, क्या है ये एक्स 4 मीटर, और नल पॉइंट जो मिला हमें कहां पे मिला है 4 मीटर पे मिला है, बात समझ में आती है क्लियर। यदि सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई हो, कैसी दी हुई है देखें इसको सिचुएशन को, यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारी जो बैटरी है कितनी वोल्ट की है 20 वोल्ट की, बहुत बढ़िया, ये वायर दे रखा है इसी का 10 मीटर का, वही सेम फाइंड करना है, फाइंड करना है किसको एक्स फाइंड करना है, सच डैट कहाँ फाइंड करना है एस यू सी एस सच डैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन, सच डैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन, जी शोज नो डिफ्लेक्शन, जहां पे हमारा जी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता वहां पे एक्स फाइंड करना है। तो ये हमने माना एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको क्या मिलता है नल पॉइंट मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात समझ में आ रही है। तो ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा हुआ है, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया सी, वी ए सी लगाएंगे इज इक्वल टू के, तो क्या होता है के एल, वी ए सी की वैल्यू दे रखी है हमको 4, के क्या होता है वी अपॉन एल, अभी अभी तो लगाया है, वी कितना आ जाएगा 20, एल कितना दे रखा है 10, इंटू एल क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है बहुत बढ़िया, एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर निकल आया। मोस्टली 99% बच्चे यही करेंगे, बट ये गलत है भाई साहब, ये होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, एक चीज देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था, हमें क्या चेक करनी है कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है जहां इसका पॉजिटिव हो वहीं इसका पॉजिटिव होना चाहिए, बताई थी कल कंडीशन, एक तभी तो दोनों का कंपेयर होगा, तभी जिसकी ज्यादा पावर होगी वो मूव करा पाएगा, या यों कहो कि
दोनों की जब पावर बराबर हो जाएगी वहां पर नल पॉइंट मिलेगा। या ऐसे भी कह सकते हो ये 2 वोल्ट क्या बता रहा है, यहां जीरो है, यहां पोटेंशियल जीरो है, यहां पोटेंशियल जीरो है, और यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 2, कुछ ऐसी बात भी बता रहा है ये। ठीक है, यदि यहां माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर करंट फ्लो हो जाएगी, यहां से करंट जीरो आएगी नहीं। समझ में आ रही है बात। यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या कहा, यहां पे ही हमारा बनना है माइनस, यहां भी क्या है माइनस, इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल क्या आता है जीरो, यहां पोटेंशियल कितना है मेरा 20। अच्छा यहां जीरो तो यहां कितना आया जीरो, यहां जीरो तो यहां कितना आया जीरो, यहां जीरो मिलता है हमको नहीं मिलता। अच्छा यहां ये 20 है तो यहां पर 20 मिलेगा, यहाँ पोटेंशियल 20 मिलेगा, 20 के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे नल पॉइंट निकालेंगे, नल पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा कंपैरिजन, जो हमने किया, जो हमने किया। क्लियर है बात। अब यदि यहां पर देखें, जो अभी अभी हमने देखा यहां पर क्या हो रहा है, यहां है जीरो, ठीक है यहां है जीरो, ठीक है यहां इसका जीरो, यहां पर आ गया जीरो, यहां 20 वोल्ट मिलता है हमको, यहां 20 वोल्ट, तो यहां भी कितना मिला मुझे 20 वोल्ट। अब यहां पर जीरो आता है और यहां से ये कितना दे रहा है 4 वोल्ट भेज रहा है, तो भाई साहब यहां तो जीरो होना चाहिए ना, मतलब ये तो यही कॉन्सेप्ट वाली बात, लेकिन डायरेक्ट वाली बात हम ये समझें कि यहां नेगेटिव है तो भाई यहां भी नेगेटिव ही होना चाहिए, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। या कई बार ऐसा आ जाता है, एक नंबर पूछ रहा है, तो यहां कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, वी नॉट फाइंड नल पॉइंट हियर, सो हियर वी कांट मेजर EMF, यहां पे हम EMF मेजर नहीं कर सकते। जब भाई EMF ही मेजर नहीं करते कर सकते तो एक्स कहां से निकल जाएगा, तो ये क्वेश्चन सरासर गलत है। क्लियर बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन वही है, ज्यादा कुछ हेरा फेरी नहीं है, कि ये बैटरी मैंने ली 48 वोल्ट की, ठीक है, इस ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसके साथ साथ वही 10 मीटर का वायर, वही एक्स निकाल लिया, ये हमने जो EMF दिया हुआ, जो बैटरी अननोन बैटरी जो हम लगाते हैं वो 12 वोल्ट की है। यहाँ पर एक चीज बढ़ा दी कि इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है 8 ओम, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है। सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका 8 ओम रेजिस्टेंस है, अब हमको एक्स निकालना है। यदि एक्स आप निकालेंगे किस तरीके से, इसी तरीके से, ये कुछ सी पॉइंट है, यदि आपको वी ए सी इज इक्वल टू के एल होता है, हाँ भाई साहब होता है, तो वी ए सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, के क्या होता है वी अपॉन एल, एल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स, जो फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू वही तो होती है L, ये क्या होता था वी ए सी, ए से लेके सी तक का, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा X, K इज इक्वल टू क्या V अपॉन L, कलम बता चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर थोड़ी बात ध्यान देने वाली बात ये है, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर V की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आप अब तक क्या पुट कर रहे थे, जो ऊपर दिया हुआ था यहाँ पर 48 दे रखी है, यहाँ 48 पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये 48 जब घूम के यहाँ पे आएगा तो यहाँ वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो कुछ ना कुछ वोल्ट ये खा जाएगा, या यूं कह लो कि जे खा जाएगा, बचा कुचा यहाँ पे आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इतना होने वाला नहीं है। जैसे कि देखें हम यहाँ पर, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो मैं पूछूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर पहले आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है। वो कैसे निकालें भाई साहब, पहले क्या निकाल लो, नेट आर नेट निकाल लो, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ बैटरी के साथ, एक रेजिस्टेंस इस वायर का, तो दोनों रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4+8 इज इक्वल टू 12 ओम। बात समझ में आती है, चलिए बहुत बढ़िया। और वी नेट वी कितना दे रखा है हमको टोटल वी, अभी तो इससे मतलब ही नहीं है ना, यहां करंट जा ही नहीं रही, इस सर्किट को देखिए कि यहां पर पोटेंशियल कितना आया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो वी नेट हमको दे दिया हुआ 48 वोल्ट, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं आई निकाल सकते हैं, करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी कितना 48/12, तो इसके अकॉर्डिंग 12 × 48 तो 4 एम्पियर, मतलब यहां से 4 एम्पियर की करंट बहेगी। अब मैं आपसे पूछूं यहां पर कितनी आएगी, इसके दो तरीके निकालने के, एक तो ये रेजिस्टेंस कुछ खा जाएगा, कितनी खा जाएगा
पता कर लें भाई कितना वोल्ट ये खा गया रेजिस्टेंस। कैसे पता करेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है, 4 एम्पियर। आर कितना है, 4 ओम। इज इक्वल टू 16, तो 16 वोल्ट तो भाई साहब ये खा गया, टोटल कितने 48। तो V बचा कितना, V बैलेंस। V बैलेंस कितना बचा, टोटल है 48, ये खा गया 16, तो बच गया 32। तो यहां पर हमको जो मिलेगा कितना मिलेगा, 32 वोल्ट मिलेगा, 32 वोल्ट मिलेगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, यहां पे हम डायरेक्ट ये कर लेते, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते थे। कैसे, हम इससे कल इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें कॉन्सेप्ट ये समझाया था मैंने, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। पोटेंशियल ड्रॉप हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है, 4 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना कहां पे, यहां पर निकालना है, यहां पर आर की वैल्यू क्या है, 8, वो नहीं है अब, 8 कितना आ गया, 32 हो, 32 वोल्ट। ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, या तो ये समझ लो ये कितना खा गया, जितना खा गया उतना इसमें से माइनस कर दो, या फिर यहां पर निकाल लो आप पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, आपको ये पता लग गया पोटेंशियल कितना है, उठा के इसमें यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो मेरा वी ए सी इज इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू एक्स। जरा वैल्यू रखे इसमें, तो वी ए सी कितना है मेरा, वी ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक वी कितना मिल रहा है मुझे, 12 वोल्ट। इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, 32, 32 अपॉन लेंथ कितनी है भाई साहब, लेंथ तो पूरी आएगी 10 मीटर में हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, इंटू एक्स निकालना है। यहाँ को सॉल्व करके यदि एक्स की वैल्यू देखे तो कितनी आ रही है, यार सॉल्व करो इसे, कितना आया, यहाँ से आ गया ये 15/4, 3.75 मीटर, कुछ इतना आएगा, करके सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा, कुछ इसी का मजा आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, चलिए देखें जरा, कुछ इसी तर्ज का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसी सेम बिरादरी का हमने ये क्वेश्चन लिया, कुछ कुछ यही है। यहाँ पर इस वायर का हमको दे रखा है ये 4 ओम, ठीक है, तो यही फाइंड करना, वो सेम तरीके से फाइंड कर लेंगे ये। अब चेक देखो, पहले कंडीशन हम चेक करने के लिए कौन सी होती है, बैटरी के देख लो, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, मतलब यहाँ जीरो पोटेंशियल, ना जीरो पोटेंशियल, ना जीरो पोटेंशियल, तो यहाँ पे आ गया जीरो, बहुत बढ़िया काम कर रहा है इसका। ये 40 है, ये 40 है, यहाँ 40 नहीं आएगा, क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, वर्क डन होगा, कुछ ये खा जाएगा और इसको भी चाहिए, तो 40 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या निकालना है, पिछली बार की तरह यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको, देखें नेट आर, आर नेट ये दोनों हो गए हमारे सीरीज में, तो इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू, ये आया हमारा कितना, 10, ये 10 आया। वी हमको नेट कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है हमको 40 वोल्ट। आई निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, बहुत बढ़िया। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर निकाले हैं, तो V कितना, 40/10 कट गया, 4 एम्पियर। इससे पहले भी शायद 4 एम्पियर ही आया था ना, तो यहाँ से बहेगी कितनी, 4 एम्पियर बहेगी। इसने भी कितनी ली, 4 एम्पियर, तो इसने कितना पोटेंशियल बर्बाद कर दिया, ये तो निकाल सकते कितना, 4×6=24, तो इसने 24 वोल्ट क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए, बर्बाद किए हैं। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है, इसने 24 वोल्ट बर्बाद किए हैं, तो यहां कितना पहुंचा, बी बैलेंस निकाल लो, बी बैलेंस कितना हो जाएगा, टोटल कितना, 40 - 24 इज इक्वल टू पहुंचा 16 वोल्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग यहां कितना पहुंचेगा, 16 वोल्ट। क्लियर है बात, थोड़ी बात समझ में आ रही है। अच्छा, या फिर दूसरा तरफ तरीका, यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते, मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं किस तरह से, सिंपल सी बात है, इसका आर कितना, इतना, यहां करंट कितनी लेगा, 4 एम्पीयर लेगा, 4×16 पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू कितनी है, 4, ये कितना है, 4 इज इक्वल टू 16 वोल्ट, तो इस पर 16 वोल्ट आएगी।
इस तरह से निकाल सकते हैं। चाहे ये ऐसे निकाल लो कि इसने कितना बर्बाद किया उतना माइनस कर लो। यहां कितनी आ रही है 16 वोल्ट, यहां कितनी है 20 वोल्ट। भैया यहां जब 16 वोल्ट ही आ रही है और यहां पे अप्लाइड पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंडीशन भी किसमें आएगी, नॉट पॉसिबल में। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए कि अप्लाइड पोटेंशियल इज हाई, अप्लाइड पोटेंशियल इज हाई, या फिर ये कह सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर इज, पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर इज लेसर देन दी ईएमएफ जो दिया हुआ है, या यूं कह लो कि ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है जो हमने मेजर किया है ये जो ईएमएफ आ रहा है इससे बड़ा है, तो इसलिए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। एक तो बैटरी वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं थी, बताई थी यहां प्लस है यहां माइनस है वो कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन भी यहां पॉसिबल नहीं होती। समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन लेके और देखते हैं इसी कुछ बिरादरी का। तो ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड में आया हुआ है कई बार ये, और इस तरह क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन लिख के चलाऊँ सारे उसमें, तो इसमें कंडीशन कैसे कैसे चेंज हो सकती है यही बताता हूँ मैं आपको। तो ये तो हमने बड़ा वाला जो बैटरा है यहाँ पे हमने ये लिया 40 वोल्ट का, इसके साथ हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसके साथ इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ 6 ओम, ये वायर दे रखी है 10 मीटर की, किसी एक्स डिस्टेंस पे हमको नल पॉइंट मिला है। यहाँ हमको क्या मिला है, हमको नल पॉइंट मिला है। इससे दो बैटरी लगी हुई हैं, याद है वाली कंडीशन, दो ईएमएफ वाली एक एप्लीकेशन थी ना हमारी, थी ना सेकंड एप्लीकेशन जहां पे हमने लिया था कंपेयर ऑफ द टू ईएमएफ, दो ईएमएफ का कंपैरिजन कर रहे थे। यहां पर देखिए मैं तो केवल एक्स डिस्टेंस निकालनी है, इसलिए दोनों ये दोनों दिए हुए हैं। एक यहां पर कुछ याद हो, एक लेते स्टैंडर्ड लेते थे, एक विदाउट स्टैंड लेते थे, या एक मेजरमेंट पहले से हमारे पास होता था। तो यहाँ एक 10 दे रखी है, एक ये 6 वोल्ट दे रखी है, ये 2 ओम का दे रखा है, ये 2 ओम का दे रखा है, ठीक है, एक्स निकालना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये डिस्टेंस आपको दी हुई होती है, इसमें से एक रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ होता, तो वहाँ तो वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि की वन और की टू, जब एक को ओपन करेंगे तो एक क्या इक्वेशन आएगी, दूसरी को ओपन करने पे क्या इक्वेशन आएगी, फिर दोनों को डिवाइड करके जो हम निकालते हैं E1 upon E2 = L1 upon L2, एक फॉर्मूला आया था उस कंडीशन से हो जाएगा। ये कंडीशन थोड़ी मैंने और घुमा दी है, ये क्या है, सबसे पहले तो वही यहाँ हम निकालें पोटेंशियल कितना है, यहाँ है 0, यहाँ है 0, यहाँ पे आएगा 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने कितना हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप पोटेंशियल ड्रॉप, अभी 3 बार निकाल चुके हैं हम, जरा देखो किस तरह से निकल सकता है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, तो नेट आर क्या आ गया 10, नेट आर क्या आ गया 4 और 6 10, नेट आर 10 हुआ, नेट ये है हमारा वी 40 दिया हुआ है, वी अपॉन आर करेंगे आई निकालने के लिए, 40/10 तो यह आ जाएगा 4 एम्पियर, मतलब यहाँ पे मेरी कितनी फ्लो हो रही है 4 एम्पियर। यदि 4 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रही है तो मैं आपसे उल्टी भाषा में पूछूँ ये कितना खा जाएगा, 4×4=16 वोल्ट ये खा जाएगा, अच्छा ये 16 वोल्ट खा जाएगा तो कितनी बची टोटल है 40 40 में 16 गए तो 24 वोल्ट। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर कैसे निकाल लो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल निकालना है V = IR, कहाँ पे निकालना है यहाँ पे निकालना है, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 4 एम्पियर ही आएगी 4, R किस पे निकालना है इसके लिए (6)= 24, 6×4=24 वोल्ट, या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो ये तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे निकाल लिया, अच्छा ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया बहुत बढ़िया बात, एक्स निकाल ली बहुत बढ़िया बात, इसको कह दो सी, कोई सी पॉइंट इसे कह दो ए पॉइंट, इसे कह दो बी पॉइंट, तो मुझे पोटेंशियल वही फॉर्मूला तो वही लगेगा VAC किसके बराबर है मेरा KL के बराबर, VAC तो आपको पता ही नहीं है, VAC क्या होगा इस पूरे का नेट बोल्ट, KAC की तो वैल्यू पुट कर दोगे K क्या हो जाएगा V/L हो जाएगा, L क्या है, L कोई एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, V की वैल्यू आपको पता है क्योंकि V की वैल्यू आपने पोटेंशियल ड्रॉप अपने यहां से निकाल लिया 24, ये L कितना है 10, पर ये नहीं पता,
इसकी वैल्यू यहां कैसे निकालें? सबसे पहले नेट वीस एसी की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर हमको करंट मालूम होनी चाहिए, कितनी करंट फ्लो हो रही है। बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट कैसे निकालें? ये पॉजिटिव है, यहां से कोई करंट गई आई, मैंने मान लिया तो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इतनी बात क्लियर है। और आपको कहोगे यहां से भी तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई साहब, ये हम बात बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो देखें यहां से करंट फ्लो हो रही है, आप यहां लगा दीजिए किरचॉफ लॉ, ये ए बी सी हो गया, यहां डी पॉइंट ले लो, डी ई एफ जी, क्या करेंगे हम, अप्लाई किरचॉफ किरचॉफ लॉ इन डी ई एफ जी लूप। इस लूप में हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ, कैसे लगेगा, अब मैंने यू घुमा दिया ऐसे, किस तरह से लगा जाए देखो जरा। सबसे पहले आया, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से आई इंटू टू, आई इंटू टू मतलब टू आई, टू आई घूम के यहां जा रहा है करंट की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा, यहां से यू बहाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर ये आया हमारा कितना, फिर से दोबारा टू आई, जरा सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, देखो क्या आता है, कुछ इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं आया समझ में, चलो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ से लूप घुमाएंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 2i, यहाँ से घूम के आए सेम डायरेक्शन तो यहाँ भी कितना वाला प्लस के 2i, अच्छा उसके बाद बैटरी का कौन सा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है तो प्लस हो जाएंगे 6, फिर यदि घूम के गए तो ये बैटरी क्या वाला माइनस वाला पार्ट, तो माइनस हो जाएंगे मेरे कितने 10 इज इक्वल टू 0, 10 और 6 को वहां पहुंचाओ तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4i इज इक्वल टू 10, उधर जाएंगे तो 10 हो जाएंगे प्लस के, माइनस के हो जाएंगे 6, तो i इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर है बात, इस तरह से आई मेरा निकल के आया कितना 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कहाँ है यहां पर, अच्छा इस सर्किट को मैं अलग से बना के दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये सर्किट कुछ इस तरह से है, यहां पर समझो जरा से, ये सर्किट कुछ इस तरह से है, यहाँ पे समझें से हम, तो ये हमको मिल रहा है ये ऐसे, और यहाँ पर करंट मेरी बह रही है कितनी 1 एम्पियर करंट बह रही है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, अच्छा ये हमको दे रखा है 2 ओम। अब मुझे निकालना है इन दोनों का नेट पोटेंशियल कितना होगा, यदि हम देखें तो ये 2 ओम है, यदि इसको करंट आई मिल रही है तो आई आई इंटू आर कितना पोटेंशियल खा जाएगा, ये 2 वोल्ट का ये पोटेंशियल खा गया, ये कितना है हमारा 10, सिंपल सा पॉजिटिव वाला पार्ट है तो सिंपल सी बात है यहां से करंट जा रही है तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे तो आ गया 10 माइनस 8, इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर हमको 8 वोल्ट मिलना चाहिए, सॉरी 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, तो यहां आपको 8 वोल्ट मिलना चाहिए। यदि इसके अकॉर्डिंग देखें जरा, यहां पे आए तो यहां पे भी करंट कितनी आ रही है 1 एम्पियर, 1 प्लस 2 तो ये भी कितने खाएगा 2 वोल्ट खाएगा, लेकिन 2 वोल्ट हम इसके अंदर जा रहे हैं, वहां से बाहर निकल रहे थे तो माइनस हुआ, इसके अंदर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, तो यहां से भी कितनी मिलती है 8 वोल्ट, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग नेट कितना आता है 8 वोल्ट, तो इसका नेट कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। इसका मतलब वी ए सी ए से लेके सी तक का नेट वोल्ट कितना आया मेरा 8 वोल्ट। बात समझ में आई, पुट दी वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए सी इज इक्वल टू के अपॉन एल इंटू एक्स, वी ए सी दे रखा है आपको 8 वोल्ट इज इक्वल टू नेट वी कितना दिया हुआ 40/10 इंटू एक्स, ये कट गया 40 से वहाँ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर है बात, तो ये हमारा कुछ निकल के आया, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, हाँ एक चीज मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड, यहाँ हम वी 40 नहीं दे सकते भाई साहब, यह पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था 24, ये यहाँ से गलती हो गई, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया था 24, तो 24 रखी जाएगी, तो यहाँ से तो आएगा 8 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 24/10 इंटू एक्स, इस तरह से आएगा 24/10 आएगा। क्लियर है, तो अब यहां से x निकालो तो x कुछ इस तरह से आएगा, पॉइंट आया 2.4 का इसमें डिवाइड दिया तो हमारा 3.33 कुछ अप्रोक्स इस तरह से निकल के आएगा ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं,
और मैंने जो मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस शीट दी हुई है उस प्रैक्टिस शीट में भी पोटेंशियोमीटर पे कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने पे क्वेश्चन और आता है, वो प्रैक्टिस शीट में दिया हुआ है, उस प्रैक्टिस शीट को जरूर सॉल्व कर लेना भाई, बोर्ड के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं उसमें, ठीक है, जो इस साल आने की काफ़ी संभावना है। तो इससे आगे बढ़ेंगे, आपका एक टॉपिक और रहेगा, आप पावर का, पावर को समझेंगे, ठीक है, उसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।